जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे चंदेल वंश के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चंदेल वंश भारत का प्रसिद्ध राजपूत वंश हुआ जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा के बीच बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर राज किया है। चंदेल वंश के शासकों का बुंदेलखंड के इतिहास में विशेष योगदान रहा है। चंदेलों ने लगभग 4 शताब्दियों तक बुंदेलखंड पर शासन किया। चंदेल शासक न केवल महान विजेता तथा सफल शासक थे अपितु कला के प्रसार तथा संरक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंदेलों का शासनकाल आमतौर पर बुंदेलखंड के शांति और समृद्धि के काल के रूप में याद किया जाता है। चंदेलकालीन स्थापत्य कला ने समूचे विश्व को प्रभावित किया। उस दौरान वास्तुकला तथा मूर्तिकला अपने उत्कर्ष पर थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खजुराहो के मंदिर। इस वंश का प्रथम राजा नन्नुकदेव था। उनकी मूल राजधानी खजुराहो मंदिरों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अजायगढ़, कालिंजर के गढ़ों और बाद में उनकी राजधानी महोबा सहित अन्य स्थानों पर कई मंदिरों, जल निकायों, महलों और किलों की स्थापना की। चंदेलों ने शुरू में कान्यकुब्ज यानी कि कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन किया। 10वीं शताब्दी में चंदेल शासक यशोवर्धन व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गए। हालांकि उन्होंने प्रतिहार की अधीनता स्वीकार करना जारी रखा। उनके उत्तराधिकारी धनंग के समय तक चंदेल एक प्रभु सत्ता बन गए थे। उनकी शक्ति में वृद्धि हुई और गिरावट आई क्योंकि उन्होंने पड़ोसी राजवंशों विशेष रूप से मालवा के परमार और त्रिपुरी के कलचूरियों के साथ लड़ाई लड़ी। 11वीं शताब्दी के बाद से चंदेलों को उत्तरी मुस्लिम राजवंशों द्वारा छापे का सामना करना पड़ा। चाहमान और घोरी आक्रमणों के बाद चंदेल शक्ति 13वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। वर्तमान में चंदेल गोत्र गुर्जर, राजपूत, जाटों में पाए जाते हैं। दोस्तों चंदेल शिलालेखों के अनुसार नन्नुका के उत्तराधिकारी वक्पति ने कई दुश्मनों को हराया। वक्पति के पुत्र जय शक्ति जिन्हें जेजा भी कहा जाता है और विजय शक्ति जिन्हें विज कहा जाता है ने चंदेला शक्ति को समेकित किया। एक महोबा शिलालेख के अनुसार चंदेला क्षेत्र को जय शक्ति के बाद जेजाक भुक्ति नाम दिया गया था। विजय शक्ति के उत्तराधिकारी रहीला को प्रशंसात्मक शिलालेख में कई सैन्य जीत का श्रेय दिया जाता है। रहीला के पुत्र हर्ष ने संभवतः राष्ट्रकूट आक्रमण के बाद या अपने सोतेले भाई भोज द्वितीय के साथ महिपाल के संघर्ष के बाद प्रतिहार राजा महिपाल के शासन को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर्ष के पुत्र यशोवर्धन ने प्रतिहार अधीनता स्वीकार करना जारी रखा लेकिन व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गया। उसने कलंजारा के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। खजुराहो के शिलालेख उसे कई अन्य सैन्य सफलताओं के श्रेय देते हैं जिसमें गोंडा, खासा, छेदी, कोशला, मिथिला, मालवा, कौरव, कश्मीरी और गुर्जर थे। हालांकि ये दावे अतिरंजित प्रतीत होते हैं क्योंकि उत्तरी भारत में व्यापक विजय के समान दावे अन्य समकालीन राजाओं जैसे कलचूरी राजा, युवा राजा और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के रिकॉर्ड में भी पाए जाते हैं। यशोवर्धन के शासनकाल ने प्रसिद्ध चंदेला युग कला और वास्तुकला की शुरुआत को चिन्हित किया। उन्होंने खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर की स्थापना की। पहले के चंदेला शिलालेखों के विपरीत यशोवर्धन के उत्तराधिकार धनंजय के रिकॉर्ड में किसी भी प्रतिहार अधिपति का उल्लेख नहीं है। यह इंगित करता है कि धनंजय ने औपचारिक रूप से चंदेला संप्रभुता की स्थापना की। खजुराहो के एक शिलालेख में दावा किया गया है कि कौशल, कृथा, कुंतला और सिम्हाला के शासकों ने धनंगा के शासन को विनम्रता से स्वीकारा है। यह भी दावा करता है कि आंध्र, अंग, कांची और राह के राजाओं की पत्नियां युद्धों में उनकी सफलता के परिणाम स्वरूप उनकी जेलों में रही। ये एक दरबारी कवि द्वारा विलक्षण अतिशोक्ति प्रतीत होता है लेकिन बताता है कि धनंगा ने व्यापक सैन्य अभियान किए। अपने पूर्ववर्ती की तरह धनंगा ने भी खजुराहो में एक शानदार मंदिर की स्थापना की जिसे विश्वनाथ मंदिर के रूप में पहचाना जाता है। धनंगा के उत्तराधिकारी गंडा ने अपने द्वारा विरासत में मिले क्षेत्र को बनाए रखा।
ऐसा प्रतीत होता है। उनके पुत्र विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार राजा की हत्या कर दी, क्योंकि वह गजनी के गजनबी आक्रमणकारी महमूद से लड़ने के बजाय अपनी राजधानी से भाग गया था। बाद में महमूद ने विद्याधर के राज्य पर आक्रमण किया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के अनुसार यह संघर्ष विद्याधर द्वारा महमूद को श्रद्धांजलि देने के साथ समाप्त हो गया। विद्याधर को कंद्रिया महादेव मंदिर की स्थापना के लिए जाना जाता है। विद्याधर के शासनकाल के अंत तक गजनबी के आक्रमणों ने चंदेला साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। इसका लाभ उठाते हुए कलचूरी राजा गंगेय देव ने राज्य के पूर्वी हिस्सों को जीत लिया। चंदेला शिलालेखों से पता चलता है कि विद्याधर के उत्तराधिकारी विजयपाल ने एक युद्ध में गंगेया को हराया था। हालांकि चंदेला की शक्ति में विजयपाल के शासनकाल के दौरान गिरावट शुरू हो गई। ग्वालियर के कच्छप घाटों ने संभवतः इस अवधि के दौरान चंदेलों के प्रति अपनी निष्ठा छोड़ दी थी। विजयपाल का बड़ा पुत्र देववर्मन गंगेय के पुत्र लक्ष्मीकरण द्वारा पराजित कर दिया गया था। उसके छोटे भाई कीर्तिवर्मन ने लक्ष्मीकरण को हराकर चंदेला शक्ति को फिर से जीवित कर दिया। कीर्तिवर्मन के पुत्र सलक्ष्मण वर्मन ने संभवतः उनके प्रदेशों पर हमला कर परमारों और कलचूरियों के खिलाफ सैन्य सफलताएं हासिल की। एक मऊ शिलालेख के पता चलता है कि उन्होंने अंतर्वेदी क्षेत्र में भी सफल अभियान चलाया था। उनका पुत्र जयवर्मन धार्मिक स्वभाव का था और शासन में थक जाने के बाद उसने राजगद्दी छोड़ दी। जयवर्मन की मृत्यु उत्तराधिकारी विहीन हुई प्रतीत होता है, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन का छोटा पुत्र उसका चाचा पृथ्वीवर्मन हुआ था। चंदेला शिलालेख उसके लिए किसी भी सैन्य उपलब्धियों का वर्णन नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक आक्रामक विस्तारवादी नीति को अपनाए बिना मौजूदा चंदेला क्षेत्र को बनाए रखने पर केंद्रित था। जब तक पृथ्वीवर्मन के पुत्र मदन वर्मन सिंहासन का उत्तराधिकारी हुआ, तब तक दुश्मन के आक्रमणों से पड़ोसी कलचुरी और परमार राज्य कमजोर हो गए थे। स्थिति का लाभ उठाते हुए मदन वर्मन ने कलचुरी राजा गयाकर्ण को पराजित किया और संभवतः बघेल खंड क्षेत्र उत्तरी भाग को कब्जा कर लिया। हालांकि चंदेलों ने इस क्षेत्र को गयाकर्ण के उत्तराधिकारी नरसिम्हा के हाथों हार दिया। मदन वर्मन ने भीमासा के आसपास परमारा साम्राज्य की पश्चिमी परिधि पर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह संभवतः परमारा राजा यशोवर्धन या उसके पुत्र जयवर्धन के शासनकाल के दौरान हुआ था। एक बार फिर चंदेलों ने लंबे समय तक नवगठित क्षेत्र को बरकरार नहीं रखा और यशोवर्धन के बेटे लक्ष्मी वर्मन ने इस क्षेत्र को फिर से कब्जा कर लिया। गुजरात के चालुक्य राजा जय सिम्हा सिद्धिराज ने भी परमारा क्षेत्र पर आक्रमण किया, जो कि चंदेला और चालुक्य राज्यों के बीच स्थित था। इसमें उन्हें वदन वर्मन के साथ संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष का परिणाम अनिर्णायक प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों राज्यों के रिकॉर्ड जीत का दावा करते हैं। कलंजारा शिलालेख से पता चलता है कि मदन वर्मन ने जय सिम्हा को हराया था। दूसरी ओर गुजरात के विभिन्न वर्ण शंकरों का दावा है कि जय सिम्हा ने या तो मदन वर्मन को हराया था या उसने उपहार प्राप्त किया था। मदन वर्मन ने अपने उत्तरी पड़ोसियों गढ़वलाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। मदन वर्मन के पुत्र यशोवर्धन द्वितीय ने या तो शासन नहीं किया या बहुत कम समय के लिए शासन किया। मदन वर्मन के पुत्र परमर्दी देव अंतिम शक्तिशाली चंदेला राजा थे। परमर्दी देव छोटी उम्र में चंदेला सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। हालांकि उसके शासनकाल के शुरुआती वर्ष शांतिपूर्ण थे। 1182 और 1183 ईस्वी के आसपास चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान ने चंदेला साम्राज्य पर आक्रमण किया। मध्ययुगीन पौराणिक गाथा गीतों के अनुसार पृथ्वीराज की सेना ने तुर्क बलों द्वारा एक आश्चर्यजनक हमले के बाद अपना रास्ता खो दिया और अनजाने में चंदेला की राजधानी महोबा में डेरा डाल दिया। इससे पृथ्वीराज ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले चंदेलों और चौहानों के बीच थोड़ा संघर्ष हुआ। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने चंदेला साम्राज्य पर आक्रमण किया और महोबा को युद्ध में हरा दिया। परमर्दी ने कलंजारा किले में शरण ली। इस लड़ाई में आल्हा उदल और अन्य सेनापतियों के नेतृत्व में चंदेला बल हार गया।
विभिन्न गाथा के अनुसार परमर्दी ने या तो शर्म से आत्महत्या कर ली या गया भाग गया। पृथ्वीराज चौहान की महोबा की छापेमारी उनके मदनपुर के शिलालेखों में अंकित है। हालांकि भाटों की किंवदंतियों में ऐतिहासिक अशुद्धियों के कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए यह ज्ञात है कि परमारी चौहान की जीत के तुरंत बाद सेवानिवृत्त नहीं हुआ था या मृत्यु नहीं हुई थी। उसने चंदेला सत्ता को फिर बहाल किया और लगभग 1202 से 1203 ईस्वी तक एक संप्रभुता के रूप में शासन किया। जब दिल्ली के गुरीड राज्यपाल ने चंदेला साम्राज्य पर आक्रमण किया, दिल्ली सल्तनत के एक इतिहासकार ताल उल महीर के अनुसार परमर्दी ने दिल्ली की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसने सुल्तान की उपहार देने का वादा किया, लेकिन इस वादे को निभाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके दीवान ने हमलावर ताकतों के लिए कुछ प्रतिरोध किए, लेकिन अंत में उसे अधीन कर लिया गया। 16वीं शताब्दी के इतिहासकार फरिश्ता का कहना है कि परमर्दी की हत्या उसके ही मंत्री ने की थी, जो दिल्ली की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करने के राजा के फैसले से असहमत था। चंदेला सत्ता दिल्ली की सेना के खिलाफ अपनी हार से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। त्रिलोकी वर्मन, वीर वर्मन और भोज वर्मन द्वारा परमर्दी को उत्तराधिकारी बनाया गया। अगले शासन हमीर वर्मन ने शाही उपाधि महाराज अधिराज का उपयोग नहीं किया, जो बताता है कि चंदेला राजा की उस समय तक निम्न दर्जे की स्थिति थी। बढ़ते मुस्लिम प्रभाव के साथ साथ अन्य स्थानीय राजवंशों जैसे बुंदेलों, बघेलों और खंगार राजाओं के उदय के कारण चंदेला शक्ति में गिरावट जारी रही। हमीर वर्मन के वीर वर्मन द्वितीय सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, जिसके शीर्षक उच्च राजनीतिक दर्जे की स्थिति का संकेत नहीं देते हैं। परिवार की एक छोटी शाखा ने कलंजारा पर शासन जारी रखा। इसके शासन को 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की सेना ने मार डाला। महोबा में एक और छोटी शाखा ने शासन किया। दुर्गावती इसकी एक राजकुमारी ने मंडेला के गोंड शाही परिवार में शादी की। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया चंदेल वंश के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।